आज के कोरोना अपडेट में बिहार में अब 68,148 संक्रमित हो गए हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 60,000 सैंपल की जांच हुई है। 3,416 नए मरीज मिले हैं और 1,450 स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। एक राहत भरी खबर है बिहार के लिए। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पटना में सीआरपीएफ के 100 से भी जवान और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पटना में सबसे अधिक 603 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुजफ्फरपुर में 118 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य की रिकवरी रेट आज 64.3 थी। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है 23,939 और अब तक 328 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। बिहार में कोरोना सैंपल जांच अब नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 60,254 सैंपल की जांच हुई है। इससे पहले 50,000 से ऊपर पार कर गई थी और इसमें 3,416 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। एक दिन में मिले कोरोना के मरीजों की यह सबसे अधिक आंकड़ा है। गुरुवार को 1,450 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। नए मरीज मिलने की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या कम हो रही है। यही वजह है कि रिकवरी रेट में लगातार गिरावट हो रही है। वर्तमान में बिहार का रिकवरी रेट 64.3% है। हालांकि बिहार के लिए अच्छी बात है, यहां संक्रमण दर भी लगातार गिर रहा है। 10 दिन में रोजाना 10,000 सैंपल की जाँच होती थी, अब ये 60,000 से अधिक पहुँच गया है। बढ़ते सैंपल के अनुपात में मरीजों की संख्या में कमी आई है। जब 10,000 सैंपल जांच हो रही थी तो 2 से 2,500 मरीज हर दिन मिलते थे। जांच 6 गुना बढ़ी है। मरीजों की संख्या 500 से 1,000 तक बढ़ी है। कुछ राहत भरी खबर थी बिहार के लिए। यह है मुजफ्फरपुर का एक कंटेनमेंट जोन कलमबाग चौक का। अचानक प्रशासन को 10-12 दिनों बाद याद आती है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। दुकानें खुल रही हैं, सड़कों पे आना जाना लगा हुआ है। 2 दिन से अब दुकान वालों को हरकाया जा रहा है। आप देख रहे हैं दुकानें लगी हैं, सामने दुकानें भी खुली हुई हैं, बैंक भी खुली हुई है, पर ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, कंटेनमेंट जोन है। शहर में कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप देखें बांस बल्लियों के सटे फल वाले की दुकान, सब्जी वाले की दुकान, सामने किराना की दुकान, लोगों का आना जाना सब चल रहा है, पर यह प्रतिबंधित क्षेत्र है। अंग्रेजी में इसे कंटेनमेंट जोन कहते हैं, कोरोना काल की नई लैंग्वेज में। कोरोना मरीजों की संख्या भी मुजफ्फरपुर में अब 3,000 के पार पहुंच गई है आज के 118 मिलने के बाद। पर लोग सावधान नजर नहीं आते हैं। बाजारों में धक्के देकर चलने की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, मास्क भी नहीं पहनते हैं बहुत सारे लोग। बाजारों में चहल पहल तो है पर खरीदारों की कमी नजर आती है। दुकानें सभी खुलती हैं, सोमवार से शुक्रवार तक, शनिवार और रविवार दुकानें बंद रहती हैं पूर्णतया। नए नियम के अनुसार, जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार मुजफ्फरपुर में ये नियम अभी चल रहे हैं, पर दुकान 6 बजे तक खुले रहेंगे कि 9 बजे रात तक, ये अभी भी अस्पष्ट नहीं है। कंटेनमेंट जोन के नियम अलग होते हैं, पर बाकी इलाके में क्या हो सकता है, लोग असमंजस में रहते हैं। अपनी दिनचर्या को पूरा करने के लिए घर से निकले जरूर, आपकी इम्यूनिटी घर में रहने से शायद कमजोर पड़ जाए। सावधानी पूर्वक निकलें, सचेत होकर रहें, दूरियां बनाकर रहें, साफ सफाई का ख्याल रखें, हाथों को कम समय पर धोते रहें, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, पर उसके भी इस्तेमाल में सतर्कता रखें। मास्क तो अनिवार्य है, शरीर ढक लें जितना ज्यादा हो सके। मल्टीविटामिन्स भी ज्यादा नहीं लें, उनके भी ज्यादा डोज हानिकारक हो जाते हैं। बड़े शहरों में तो मल्टीविटामिन्स भी नहीं मिल रहे हैं अच्छे कंपनियों के, तो ज्यादा दवाओं पर निर्भर नहीं रहें, अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाएं काम करके, बैठ कर नहीं। अपना ख्याल रखें, कोरोना की महामारी भी बढ़ रही है, पार्किंग भी काफी खतरनाक हो गई है।
की खबरों के लिए ओ एम जी बिहारी से।